अरे भाई साहब, उत्साह और उमंग में उम्र की बात होती ही नहीं। अरे वैसे भी देवा महाराजा, इंसान को अपना बचपन नहीं भूलना चाहिए। तो सारे लोग अब कल फैंसी ड्रेस के फंक्शन के लिए तैयार हैं? क्या बनूं? क्या बन सकते हो तुम? हाँ बराबर, फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। ओहो जेठालाल, चंपकलाल गड़ा साहब, कहिए कैसे याद किया सुबह सुबह? अरे भाई, कोई फायर ब्रिगेड को कब याद करता है? बर्थडे पे। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, बताओ बताओ कहाँ आग लगी है? क्या बताऊं? क्या मतलब? अरे भाई वो आज रात को रखा है ना क्या फैंसी ड्रेस प्रोग्राम, तो सुबह से सोच रहा हूँ क्या बनूं क्या बनूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जरा मदद करो ना, क्या बनूं मैं फैंसी ड्रेस में? तुम एक काम करो जेठलाल, तुम छोटा सा बच्चा बन जाओ। छोटा बच्चा? हाँ, छोटे बच्चे को देखा है तुमने कैसे बुजुर्ग का हाथ थाम के उंगली पकड़ के चलता है? वैसे तुम्हें जब भी कोई मुसीबत आती है तुम मेरा हाथ थामते हो कि नहीं थामते हो? ओ वडील, मैं तुमसे सलाम मांग रहा हूँ, तुम भाषण दे रहे हो? अरे इतना भाव क्या खा रहे हो भाई? नहीं नहीं, भाव नहीं खा रहा हूँ जेठालाल, मैं तो एप्पल खा रहा हूँ। एप्पल के साथ साथ आप भाव भी खा रहे हो। बराबर कह रहे हैं अंजलि भाभी। अगर आप भाव नहीं खा रहे हो तो जेठा भाई को और मुझे बता दो ना कि हम फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में क्या बने। अरे अंजलि भाभी कहाँ चलते गाड़ी में चढ़ बैठे? देखो मेहता साहब, आपको अंजलि भाभी को बताना नहीं बताना वो आपका हस्बैंड वाइफ का अंदर का मामला है, लेकिन मुझे तो बताना ही पड़ेगा। बोलो मैं क्या बनूं? जेठालाल तुम ड्रम बन जाओ, तुम पे सूट करेगा। हाँ अच्छा है। हाँ सरस। ओके ओके बाय। मेहता साहब भी मजाक के मूड में है, मुझे सोचना पड़ेगा क्या बनूं। हाँ अब तो वक्त ही तय करेगा कि मैं क्या बनूंगा। ओए पापा जी, ओए पापा जी, ओए पापा जी, ओए पापा जी। हाँ छोटी। ओ मेहता साहब, ओ मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग जी। ओ गुड मॉर्निंग छोटी, गुड मॉर्निंग। ओ मारी तो गुड मॉर्निंग में भी बैड मॉर्निंग हो रखी है जी। अरे अभी तुम खुद ही तो कह रहे थे गुड मॉर्निंग यार। बैड मॉर्निंग क्यों? क्या रोशन भाभी ने करेले की सब्जी बनाने का प्रोग्राम बनाया? अच्छा जी, अब तो शाम के डिनर में भी करेले की सब्जी ही बनेगी और करेले का सूप भी। और मेहता साहब, मेरी रोशन अगर करेले की सब्जी भी बनाती है ना तो भी बड़ी स्वीट बनाती है, पर यहाँ मैं ना सोच सोच के इतना सोच चुका हूँ कि पूरा टोटली कंफ्यूज हो गया हूँ जी। और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या बनूं, कौन से डायलॉग बोलूं, बताओ ना यार। छोड़ी, इस बात का जवाब तो तुम्हें गोगी भी दे सकता है। और मेहता साहब, और पहले गोगी पुत्र से ही पूछा था, वो तो गेम खेलने में बिजी है जी। मुझे बोलता है, अरे पापा ये छोटी मोटी बातों के लिए ना मुझे डिस्टर्ब ना किया करो, इसीलिए आपको फोन कर रहा हूँ जी। ओहो, थैंक यू सो मच छोड़ी, तुमने मेरी इतनी कदर की कि इस सवाल का जवाब गोगी से नहीं और मुझसे पूछा। और थैंक यू छोड़ो ना मेहता साहब, और जल्दी बताओ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या बनना है और कौन कौन से बढ़िया बढ़िया डायलॉग्स बोलने हैं जी। छोड़ी तुम फैंसी ड्रेस में, एक मिनट छोड़ी, एक मिनट होल्ड करना। हेलो हेलो मेहता साहब, सॉरी मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं नहीं पोपटलाल, जल्दी बोलो क्या बात है। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वो फैंसी ड्रेस में क्या बनूं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे भाई दूसरे फोन पे छोटी है, वो भी यही पूछ रहा है क्या बने, और अभी अभी जेठालाल का फोन भी आया था, वो भी यही पूछ रहा था कि फैंसी ड्रेस में क्या बनना है। अच्छा, और मेहता साहब जेठा पर आपको ऐसे ही फायर ब्रिगेड नहीं कहते,
आप एक काम करो ना, हम सबके भी फायर ब्रिगेड बन जाओ ना। सॉरी एक मिनट, अरे क्या यार, एप्पल दूर रखो ना यार। एप्पल? एप्पल कहाँ से आया जी? अरे नहीं भाई, तुमसे नहीं कह रहा हूँ एप्पल बनो। मेहता साहब सोच क्या रहे हैं आप, जल्दी बताइए। पोपटलाल असल में बताऊं इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं कोई मंदिर का घंटा हूं जिसे देखो जब चाहे आके मुझे बजा रहा है। अरे यार सब लोग मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो कि फैंसी ड्रेस में क्या बनना है, सोच लो ना आप खुद भी। अच्छा एक काम करो पोपटलाल, तुम सोडी बन जाओ। सोडी तुम पोपटलाल बन जाओ, ठीक है? थैंक यू मेहता साहब जी। मेहता साहब इतना अकड़ क्यों रहे हैं? वैसे मेरे पास हजारों ऑप्शन है, वो तो मैं देखना चाह रहा था कि आपके पास कोई भारी आइडिया है या नहीं। चलिए मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है तो फिर रखो फोन। ओके थैंक यू पोपटलाल, बाय। हंसो हंसो और हंसो मुझ पे। तारक मैं आप पे नहीं हंस रही हूँ, मैं तो ये सोच कर हंस रही हूँ कि टपू सेना ने फैंसी ड्रेस का आयोजन करके सबको काम पे लगा दिया। बिल्कुल सच कहा अंजलि, अब देखना यह है कि आज रात को इस प्रोग्राम में कितने हंगामे होते हैं। अरे बाओ। नमस्कार 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 गजानन बाओ, चाय पीजिए। बाप रे चाय, हाँ गरम गरम अदरक वाली चाय। अरे थैंक यू, कोमल भाभी ने अपने हाथों से बनाई है, बोला कि गजानन भाऊ को पिलाना और खुद ही पीना। बढ़िया है। क्या बात है अब्दुल भाई, आप थोड़े टेंस नजर आ रहे हैं। आज फैंसी ड्रेस है ना, मैं क्या बनूं वो सोच रहा हूँ। छोटा मोटा बन जाऊ? वेरी गुड आइडिया, बन जाइए। नहीं नहीं ढक्कन, ढक्कन ढक्कन का प्रॉब्लम है ना। क्यों? मेरे साइज का नहीं मिलेगा। चाय का कप बन जाऊ? नहीं 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 नहीं, खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। आप अमेरिका से आए ना? हाँ हाँ भाई। गजानन भाव मुझे बताओ कि वहां पर क्या है? क्या है जो यहाँ पर नहीं है? क्या नहीं? अरे जो अमेरिका में है वो यहाँ पर नहीं है। कहाँ? अरे यहाँ पर। अरे यहाँ कहाँ? भारत में। अमेरिका में है और भारत में नहीं है। लेकिन अब्दुल भाई मुझे एक बताइए, ये सारी चीजें आप क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है? आज फैंसी ड्रेस है ना। इसलिए? अरे अब्दुल भाई तो सीधी सी बात है, गणेश जी गणेश जी का माहौल है तो चूहा चूहा बन जाइए। चूहा? नहीं नहीं नहीं, आप कुछ और सोचिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए, अभी तो पी ली मैंने। मैं आपके लिए सोडा लेकर आता हूँ। सोडा भी नहीं चाहिए। हे गजानन महाराज, गजानन भाऊ को सोचने की शक्ति दो, मैं अभी आता हूँ। मैं लेके सोडा लेकर आता हूँ, सोचिए सोचिए। अब्दुल भाई मैं सोचिए आप देवा। नहीं नहीं मिलिंद दादा, आप दीपक भाई की बात क्यों मान रहे हैं? आपको मालूम है ना हर साल हमारा बजट कम होता है। नहीं 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 नहीं, देखिए इतना ज्यादा भाड़ा हम लोग नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा भाड़ा मांग रहे हैं आप। मिलिंद दादा कुछ समझौते ना आता। भाड़ा भले ही ज्यादा हो लेकिन कॉस्ट्यूम परफेक्ट होना चाहिए। आज गोकुलधाम में फैंसी ड्रेस है और हमारा ड्रेस सबसे अलग दिखना चाहिए, समझ गए? ओके। क्या? वैसे माधवी, जैसा तुम सोच रही हो ना कि हमारा ड्रेस सबसे अलग दिखना चाहिए, वैसा पूरे गोकुलधाम वाले भी यही सोच रहे होंगे। तुम देखना माधवी, आज के इस प्रोग्राम में सब लोग एक से एक बढ़िया ड्रेस पहनकर आएंगे, ऊंचे ऊंचे डायलॉग पाठ करके आएंगे और धड़ा धड़ा बोलेंगे। इन शॉर्ट बहुत ही शानदार धमाकेदार और यादगार होगा आज का गोकुलधाम का फैंसी ड्रेस। नमस्कार, मैं रीटा, आप
सभी गोकुल धाम वासियों का इस फैंसी ड्रेस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आज आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि किसने कौन सी पोशाक पहनी होगी। तो अपनी धड़कनों को थाम कर बैठिए क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। इस कार्यक्रम का श्री गणेश करने आ रहे हैं इस सोसाइटी के एक मेल सेक्रेटरी और शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। गणपति के प्रोग्राम का भी श्री गणेश करेंगे। अरे लड़ाई लड़ने थोड़ी जा रहे हैं आप, गले क्या मिल रहे हैं? अरे भाई ये गोकुल धाम सोसाइटी यही है? हाँ यही है। अरे भाई ये कैसा पोस्टमैन है, पोस्टमैन ही एड्रेस पूछ रहा है? नौकरी में पहला दिन है इसका। आप लोग मुझे पहचान ही गए होंगे। हाँ भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने जमाने के एक में वो पोस्टमैन लग रहे हो। अरे भाई हमने तो सबने पहचान लिया लेकिन आजकल के बच्चों ने नहीं पहचाना होगा। जी बिल्कुल, पोस्टमैन डाकिया। आज के इस ईमेल और एसएमएस के जमाने में लोग हमें भूल से गए, हमारा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म सा हो गया है। लेकिन हमारे जमाने में ये मोबाइल इंटरनेट ईमेल ये कुछ नहीं हुआ करता था, सिर्फ पोस्ट कार्ड हुआ करते थे। लोग एक दूसरे को सिर्फ खत लिखते थे। पता है दोस्तों, एक वक्त था जब लोग खत की राह देखते थे। दूर से खत आने में कई दिन लग जाते थे लेकिन लोग फिर भी इंतजार करते थे, और खत मिलने के बाद मेरा ऐसा सम्मान करते थे कि मानो मैं उनके घर का जमा ही हूं। अरे वाह, फिर तो पहुंचते ही नाश्ता पानी भी मिलता होगा। मुझे अपने परिवार का एक सदस्य मानते थे और मैं भी उनके परिवार के एक सदस्य की तरह उनके हर दुख में हर सुख में शामिल होता था। अरे बिल्कुल सही कहा भिड़े तूने। अरे हमारे वक्त में जब डाकिया घर आया हो तो घर में ऐसा माहौल हो जाता था जैसे घर में कोई मेहमान आया है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। आजकल के ये एसएमएस ईमेल खत की बराबरी क्या करेंगे। अरे लोग खत को दिल से लगाते थे, चूमते थे, बार बार पढ़ते थे, हंसते थे, रोते थे, अलमारी में संभाल कर रखते थे। और आजकल के ये एसएमएस पढ़ाने के एक सेकंड में डिलीट। और हाथ से लिखे हुए खत में सिर्फ अक्षर नहीं होते थे बल्कि भावनाएं भी होती थी। अब से मैं मेरे वीरा को खत ही लिखूंगी। सिर्फ वीरा को नहीं, माँ को भी खत ही लिखना। रोज का फोन का बिल बच जाएगा। भले ही वक्त के साथ लोग पोस्टमैन को भूल गए लेकिन आज भी कई जगहों पर हमें याद किया जाता है, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि लोग फिर से एक दूसरे को खत लिखना शुरू करेंगे। क्या बात है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अरे बातों बातों में भूल ही गए, मुझे बहुत सारे खत पहुंचाने भाई। हाँ चलता हूँ। क्या बात है भाई भिड़े। जब तुम डाकिया बने मुझे उदय प्रताप जी एक शायर, उनके दो शेर याद आ गए। इरशाद इरशाद। वो कहते हैं कि होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के। क्या 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 क्या? होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के। क्या बात है। ये इश्क का मामला है जरा देखभाल के। इश्क का मामला होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, ये इश्क का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। अब एक जर नाराज नहीं है। ए भाई हो इधर, मुसहरे के लिए नहीं जमा हुए भाई, दूसरा कौन है भाई? अब इधर बैठो बैठो बैठो। ये आज मारा बाद में फिर पे आता हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। दोस्तों
चौंकिए मत, मैं कोई रिपोर्टिंग नहीं करने वाली, बल्कि मैं यहाँ बुलाने वाली हूँ हमारी मस्त मौला और बिंदास कोमल भाभी को। किसी की भी सुबह मेरे बिना नहीं हो सकती। भले आजकल अच्छी खबरों से ज्यादा लूट मार दंगे फसाद की खबरें छपती हो, फिर भी हर घर में हर सुबह लोग मुझे पढ़ने के लिए लड़ते हैं। कोमल भाभी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। सुबह सुबह तारक की और मेरी सबसे पहली फाइट न्यूज़पेपर से होती है। दंगों की खबरें पढ़ने के लिए घर में दंगा होता है। नहीं, पर एक बात भी है, जब इनके अच्छे आर्टिकल्स आते हैं ना, तब प्यार से पढ़ती हूँ मैं। मगर 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 ये तो है सिर्फ सुबह तक की बात, कुछ ही देर में मैं यहाँ वहाँ हो जाता हूँ, ताजा ताजा खबर बासी खबर बन जाती है और दोपहर तक तो मैं रद्दी बन जाता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, किसी को भी रद्दी बनते देर नहीं लगती। वाह 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 कोमल भाभी, क्या फिलोसॉफिकल बात कही आपने, वाह। अरे पोपटलाल भाई, अरे तो रो क्यों रहे हो भाई, क्या हुआ? कोमल भाभी, आपने अखबार के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, वो सुन के थोड़ा थोड़ा इमोशनल हो गया। आपने वो क्या लाइन बोली, कमाल की लाइन है वो, किसी को भी रद्दी होने में देर नहीं लगती। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, प्लीज जल्दी से मेरी शादी करा दो। अरे और जो रद्दी हो गया उसकी कैसे शादी होगी? पोपटलाल एकदम अब चुप रहना, कोमल तुम कंटिन्यू करो। हाँ, हाँ, डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब। तो आज की खबरें यहीं खत्म होती हैं। मुझे लगता है आपने अखबार पढ़ लिया होगा, मैं कल सुबह फिर आऊंगा। धन्यवाद। क्या बात है कोमल भाभी, भाई वाह वाह, क्या बढ़िया अखबार बने आप। और सचमुच अखबार बन के आपने बता दिया कि छपा हुआ शब्द जो होता है उसकी महत्ता कभी खत्म नहीं। कितना ही टेलीविजन देख ले, लेकिन अखबार तो अखबार। तभी किसी ने कहा है कि न तीर निकालिए न तलवार निकालिए, न तीर निकालिए न तलवार निकालिए, जब तोप मुकाबिल तो अखबार निकालिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, पर मैंने बोला। दोस्तों, हमारे बीच आ रहे हैं इस सोसाइटी के एकमात्र सॉलिड साइंटिस्ट कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। चलो चलो अय्यर भाई।
वाह वाह, साइंटिस्ट बन गया सुपरस्टार साउथ फिल्मों का। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे अय्यर बन गए हैं एक्शन फिल्मों के सुपरस्टार। जैसे एक्शन फिल्मों में एक के बाद एक एक्शन आते रहते हैं, ठीक वैसे ही गोकुल धाम के इस फैंसी ड्रेस शो में एक के बाद एक नया रूप, नए रंग, नए अंदाज आते रहेंगे। वैसे दूसरों की जिंदगी जीने का भी मजा ही कुछ और। कभी देखिए, एक दिन ऐसा करके भी देख लीजिए, अपने परिवार के किसी सदस्य की जिंदगी जी के देखिए, या फिर जिससे नाराजगी हो, शिकायत हो, एक दिन उसके रुख से जिंदगी जी के देखिए। हो सकता है आपकी आधी नाराजगी दूर हो जाए। जिंदगी में कभी कभी दूसरों के जूतों में भी पांव रख लेना चाहिए, उनकी निगाह से, उनके नजरिए से भी जिंदगी जी लेनी चाहिए। फिर देखिए कि जिंदगी के रंग कितने अलग हैं। और अभी यहाँ बहुत सारे रंग बाकी है। अभी यहाँ पे जेठालाल, बबीता, आपके अपने तारक मेहता यानी कि मैं, सबके रंग रूप देखना बाकी। अब देखिए जब ये लोग अलग अलग रूप, अलग अलग रंग धर के आएंगे तो कितना मजा आएगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कौन क्या बनेगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।